Morning students, we have done last time we have done my neighborhood remain shoeless कि कैसे एनिस जो है वो बता रही है कि उनके नेबरहुड के जो ट्रैक पिकर्स हैं वो अब भी शूजलेस हैं. नाउ वी स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट. माय एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट ट्रैक पिकर्स लीड टू मी सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली जो है वो मेटाफर से आया. इट मीन्स एनिस जो है वो कहती है कि माय एक्वेंटेंस क्यों, वो बहुत इन बच्चों को जो रैग पिकर्स हैं उनको काफ़ी टाइम से जानती है तो उनको एक्वेंटेंस बोल रही है कि मेरे जो बेयर फिट एक्वेंटेंस है जो रैग पिकर्स हैं वो मुझे सीमापुरी लेके जाते हैं जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. दिल्ली पेरिफेरी मीन्स बाउंड्री. ये जो प्लेस है सीमापुरी ये कहाँ पर है, दिल्ली की बाउंड्री पे है. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. मेटाफर जो होता है क्या होता है, मेटाफर लिटरेरी टर्म है तो इसलिए ये मेटाफर फर्कली यहाँ पे यूज़ किया गया है कि येट वो दिल्ली के पास है लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत दूर है. दोज हु लीव हेयर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश केम इन 1971. दोज हु लीव हेयर आर स्क्वेटर्स. स्क्वेटर्स बेटा वो होते हैं जो पर्सन किसी जगह पर रहते हैं विदाउट लीगल परमिशन. ठीक है, तो ये जो पर्सन है वहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में. बांग्लादेश से आए थे वो लोग, साहिब्स फैमिली इज अमंग देम और साहिब की फैमिली भी उनमें से ही एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. उस इनके आने से पहले जो सीमापुरी जो एरिया है जिस एरिया में ये लोग रहते हैं रैग पिकर्स रहते हैं वो बिल्कुल जंगली था, विल्डरनेस था वहाँ पर. स्टिल इज ये अब भी है बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्पटी. लेकिन ये विल्डरनेस ऐसी हो गई है जहाँ पर अब एम्पटी नहीं है. मीन्स ये लोग रहते हैं ना लेकिन वहाँ का एरिया बहुत गंदा है इसलिए उसको विल्डरनेस दोबारा बोला गया है. उसमें इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन. तो कहते हैं कि यहाँ ये जो जगह है विल्डरनेस थी जो जंगल था बना हुआ था अब वो किससे भरा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड से. मिट्टी के घर बने हुए हैं वहाँ पर, रूफ हैं टिन और टारपुलिन. टारपुलिन तरपाल को बोलते हैं. तो वहाँ पर ये टिन वो टारपुलिन से बने हुए उनके घर हैं. डिवॉइड ऑफ स्वेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर. वहाँ पर ना तो कोई सीवरेज की प्रॉपर अरेंजमेंट है ना ही ड्रेनेज है, यानी कि वहाँ पर जो पानी है वो ऐसे ही बहता रहता है. लीव 10,000 रैग पिकर्स. और वहाँ पर कितने लोग रहते हैं ये रैग पिकर्स, 10,000. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन. दे हैव लिव्ड हेयर. वो कहते हैं कि ये यहाँ पर रहते हैं कितने सालों से. जब एनिस उनसे मिली थी वो 30 ईयर्स उनको हो चुके थे, ना तो उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है ना ही कोई परमिशन है, और लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स है जो उनको क्या बेनिफिट दिलाता है कि उनका वोटिंग में नेम आ गया है, वो वोटर्स बन चुके हैं. और सबसे बड़ा क्या है, इनेबल देम टू बाय ग्रेन. राशन कार्ड की वजह से उनको क्या मिल जाता है, ग्रेन मिलने में हेल्प हो जाती है. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो कुछ भी नहीं है उनके पास, आइडेंटिटी नहीं है, परमिशन नहीं है, लेकिन राशन कार्ड क्यों दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने उनको. तो यहाँ पर मेन यही होता है कि वोटिंग के लिए, ताकि वो वोट ले सके वहाँ से. तो पॉलिटिशियन जो है ना वोट ले सके इसलिए उनको क्या दिया गया है, राशन कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. वो कहते हैं कि हमारे लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा जो नेसेसरी थिंग है वो क्या है, फूड है. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक वी वुड रैदर लीव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन. तो ये देखो आपने यहाँ पे देखा होगा ये इन्वर्टेड कोमाज में, डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, मीन्स जो है डायरेक्ट स्पीच है. तो यहाँ पर से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टार्टर सारीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. ये जो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच जो बोली हो एक वुमेन ने बोली है, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टार्टर सारी. एक लेडीज़ का ग्रुप था जो टार्टर साड़ीज़ में थी, फटी हुई साड़ियों में थी जो. और एनिस उनसे पूछती है, क्या पूछती है कि आप लोगों ने इतनी ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन लैंड को कैसे छोड़ दिया जहाँ रिवर के पास थी. तो उनमें से एक लेडीज़ ग्रुप में से एक लेडी क्या जवाब देती है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज. अगर दिन के लास्ट में हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाएँ, यानी उनको खाना दे सकें और हम अपने सोने
बिना पेट के, मतलब खाली पेट, एचिंग पेट का मतलब होता है पेट में दर्द ना हो, लेकिन यहाँ पर खाली पेट, अगर बिना खाली पेट हम बेड पे चले जाएं, मीन्स हम पूरे दिन में कुछ खा पी के सोएं, वी वुड रेदर लीव देयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो वो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने हरे भरे खेतों में तो रहते लेकिन वहाँ पर ग्रेन ना होता। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स। वो कहती है हम जहाँ पर भी हमें खाना मिलता है हम वहाँ पर अपना सेटअप कर लेते हैं, क्या टेंट्स और ट्रांसिट होम होते हैं बेटा, जो परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी हमें लगता है हमें खाना मिल रहा है हम वहाँ पर अपने टेंट्स को सेटअप कर लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे भी यहीं पर बड़े होते हैं और हमारे लिए हमारे साथ ही हमारे सर्वाइवल पार्टनर बन जाते हैं, मीन्स वो वैसे ही जीते जैसे उनके पेरेंट्स जीते हैं। एंड सर्वाइवल्स इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और इस सर्वाइवल का यहाँ पर सीमापुरी में क्या मीनिंग है, रैग पिकिंग, मीन्स उनका काम ही क्या है, रैग पिक करने का। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, अब बहुत सालों से वो रह रहे हैं तो उन्होंने एक प्रोपोर्शन यानी कि एक स्किल ले ली है फाइन आर्ट, बहुत अच्छी आर्ट उनके अंदर आ गई है कि वो रैग पिकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वही गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि यहीं से उनको डेली का उनका खाना मिलता है। उनके घरों पर छत, उनके सिरों पर छत है, और रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे बेशक वो लीक करती हुई रूफ हो, ऐसी हो, ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक चाइल्ड के लिए इससे ज़्यादा और क्या है। I sometime find a rupee, even a 10 rupees note. अब यहाँ पर साहेब एनिस को बताते हैं कि कई बार मुझे इस गार्बेज में एक रुपी मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। His eyes lighting up, यानी कि वो जब ये कहता है तो उसकी आंखें चमक रही हैं। When you can find a silver coin a heap of garbage, you don't stop scrounging. तो कहते हैं कि अगर मान लो आपको सिल्वर कॉइन मिल जाए कहीं किसी गार्बेज में, तो आप उसको स्टॉप नहीं करोगे ना स्क्राउचिंग करना, बिकॉज आपको लगेगा कि एक होप के साथ कि अब तक मुझे दोबारा और मिल जाए। तो इसी तरीके से इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, इसलिए यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि ये गार्बेज बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है और इनके पेरेंट्स के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। मीन्स यहाँ कहने का क्या मतलब है, चिल्ड्रन जो है ना स्क्राउचिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं गार्बेज में कि उनको कुछ ऐसा पैसे मिल जाए या कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाए, जबकि उनके पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल का वे। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वॉन्डर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक दिन मैंने साहेब को, एक फेंस्ड गेट था, गेट के बाहर बाउंड्री लगी होती है वहाँ पर, उसके नेबरहुड क्लब के पास खड़े हुए देखा। Watching two young men dressed in white playing tennis. किसको देख रहा था, दो पर्सन थे जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहना हुआ था और वो टेनिस खेल रहे थे, वो उनको देख रहा था बाहर से। I like the game, he hums. तो उसने मुझे बताया कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। Content to watch it standing behind the fence. Content होता बेटा सेटिस्फाई, और वो सेटिस्फेक्शन के साथ बोल रहा था और फेंस के पीछे खड़ा हुआ था। I go inside when no one is around. वो बताता है कि मैं भी चला जाता हूँ यहाँ पर अंदर जब कोई नहीं होता। He admits the gatekeepers lets me use the swing. और gatekeeper जो है ना, watchman जो है वहाँ का, वो मुझे swing use करने के लिए मना नहीं करता, वो मुझे use करने देता है। Saib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने खुद भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो उसकी डिसकलर शर्ट और शॉर्ट्स पर बिल्कुल अजीब लग रहे थे। डिसकलर शर्ट और शॉर्ट्स का क्या मतलब हुआ, उसने गंदे से कपड़े जो पहने हुए थे वो टेनिस शूज़ उसके साथ बिल्कुल भी जच नहीं रहे थे। समवन गेव देम टू मी, तो साहिब ने बताया कि किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करता है वो उसको, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर them because of a hole in one of them. Discarded होता है बेटा discard कर देना, छोड़ देना। तो वो कहते हैं कि शायद fact ये था कि किसी rich boy के वो shoes थे जिसने वो छोड़ दिए थे उसने, क्योंकि एक उन shoes में से एक shoes में hole था। For one who has walked
बेयर फुट इवन शूज विद अ हॉल इज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन एक ऐसा बंदा जो बेयर फुट घूमता है, उसके लिए शूज में होल होना, शूज होना उसके पास, चाहे वो होल हो उसके अंदर, एक ड्रीम जैसा था कि उसके पास शूज आ गए हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। तो कहता है लेकिन जो गेम वो इतने ध्यान से देख रहा था, इंटेंटली होता बेटा ईगरली, जो जिस गेम को वो इतने ध्यान से देख रहा था इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पकड़ से बाहर था, क्योंकि जो टेनिस होता है वो एक एक्सपेंसिव गेम होता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक दिन और एनिस उसको मिलती है और साहिब जो है मिल्क बूथ पर जा रहा था कहीं। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक केतली थी स्टील की। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो एनिस उसको पूछती हैं शायद कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है कि मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ अब। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो पॉइंट करके बताता है कि कौन सी टी स्टॉल पर। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, वो बताता है कि अब मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारे टाइम का खाना भी मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, तो एनिस पूछते कि तुम्हें जॉब पसंद है अपनी। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। फिर मैंने उसको ये पूछते हुए उसकी फेस की तरफ देखा, तो मैंने देखा उसका जो केयर फ्री लुक था, जैसे कि वो पहले अपना खुद का काम करता था ना, अब वो केयर फ्री लुक मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। अब ये कहते हैं कि जो स्टील कैनिस्टर हैवी लग रहा था उसको, उस प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में जो बिल्कुल लाइट उसके शोल्डर पर रहता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन वो कैनिस्टर किसका है, वो उस कैनिस्टर उसका है जो टी का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि साहिब अपना खुद का अब ऑनर नहीं है, वो मास्टर्ड किया जाता है अब। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जब वो अपना खुद का बैग लेता था इट मीन्स वो उसका खुद का था, लेकिन अब कैनिस्टर है वो दूसरे से बिलोंग रखता है, तो इट इज़ मोर हैवियर देन हिज बैग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।